पंजाब और चंडीगढ़ के लिए भाजपा संगठन मंत्री दिनेश कुमार को अब उत्तर प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। मूलतः हाथरस के रहने वाले दिनेश कुमार को बेहद अहम मौके पर ये दायित्व सौंपा गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में संगठन मंत्री के रूप में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया था। अर्थ प्रकाश के साथ एक खास बातचीत में दिनेश कुमार ने जहां पंजाब और चंडीगढ़ के विषय में बातचीत की, वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर भी चर्चा की। दिनेश कुमार ने कहा कि पंजाब में पार्टी का इरादा सभी 117 सीट्स पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का है। वहीं चंडीगढ़ के निगम चुनावों के विषय में उनका कहना था कि इस बार भाजपा 2016 की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के विषय में उनका कहना था कि इस प्रदेश की जनता को 5 वर्ष पूर्व अखिलेश सरकार के कुशासन से मुक्ति मिली थी और आज वहां विकास की नई बयार बह रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार भी उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के माथे पर ही विजय का सहारा बांधेगी। दिनेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके शुभकामनाएं आपके नए जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से आपको सौंपी गई है। लेकिन मेरा जो पहला सवाल होगा वो बतौर संगठन मंत्री जो आप पंजाब में रहे हैं और चंडीगढ़ में रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2015 में पंजाब एवं संगठन मंत्री का दायित्व दिया था। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विचार था कि 117 विधानसभाओं में चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी अकाली दल के साथ समझौता होने के कारण 23 सीटों पर ही बीजेपी रह गई। दूसरी बार मौका मिला है कि 117 पे चुनाव लड़े और अब तैयारी पूरी कर रही है। संगठनात्मक दृष्टि से पिछले 6 साल के अंदर पंजाब के अंदर 13 लोकसभा, 117 विधानसभा, 387 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने काम प्रारंभ किया है। 117 विधानसभाओं के अंदर जो भी बूथ स्तर की और शक्ति केंद्रों की रचना की है और आगे आने वाले चुनाव में अच्छे ढंग से हम परचम लहराएंगे, क्योंकि जो किसानों की समस्या थी उसमें बहुत बड़ा समाधान ये किया है। किसान बिल को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन कर रखा था, मोदी जी ने उसको भी वापस लिया है। और एक बहुत बड़ा काम जो किया है कि मोदी जी ने अभी पाकिस्तान में जो गुरु नानक देव जी का स्थान है, कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया है। तो ये श्रद्धा का केंद्र था, कांग्रेस की भूल थी कि वो 4 किलोमीटर का क्षेत्र अपने क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान को दे दिया। और इस आधार पर देखा जाए तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं उसका आज साक्षात पिक्चर और साक्षात विकास पंजाब के अंदर दिखाई देता है। तो मेरा उस आधार पर कहना है कि निश्चित रूप से पंजाब का मतदाता अपने पक्ष को और अपने विकास को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा। गठबंधन की भी संभावना है, आजकल बातें चल रही हैं कि कैप्टन साहब जो है वो, मुझे लगता है कि गठबंधन तो बाद का विषय है, पहले चुनाव लड़ने का है कि 117 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और उसको ये है कि अच्छे ढंग से 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। दिनेश जी, पंजाब के इलेक्शन से पहले चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस भी जो हैं वो तो बिल्कुल सिर पर है, अगले महीने आने वाले हैं, तो यहाँ पर पहले से ही सत्ता में हैं, तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ के नगर निगम के विषय में 2016 में चुनाव हुए थे और मैं जब संगठन मंत्री के नाते आया तो उस समय चंडीगढ़ में हमने चुनाव 26 पार्षदों में से 21 पार्षद जीते थे और 15 सालों के बाद कांग्रेस से हमने चंडीगढ़ में सत्ता छीनी थी। और देखा जाए तो पिछले 5 साल में चंडीगढ़ के अंदर जो विकास के रास्ते हुए हैं उसका कोई जवाब नहीं है। आप देखें कि इतना बड़ा कूड़े का सेंटर बना हुआ था, उसके लिए आधुनिकतम यंत्र लगा करके उसको ख़त्म करने की योजना है।
हमारे पार्कों में देखा जाए तो कोई ओपन जिम नहीं था, हर पार्क में आज ओपन जिम है। कोई साइकिल ट्रैक नहीं था, हमने साइकिल ट्रैक का निर्माण कराया है। और नगर निगम ने जिस तरीके से काम किया है कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में चंडीगढ़ विकसित किया है, और कोई भी समस्या आई है, पानी की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, विभिन्न प्रकार के बिजली की समस्या हो, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की है। जहाँ बस्तियाँ थी वो बड़ी मात्रा में घिचपिच में रहते थे, उनको भी एक अच्छा स्थान दिया है, कॉलोनी बना करके दी है। तो जैसा विकास किया है पिछले 5 साल में, निश्चित तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा मैंडेट मिलेगा। अब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पंचों के चुनाव होते थे, ग्रामीण क्षेत्र अलग थे, लेकिन उसको भी बाड़ों में शामिल किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आगे विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों में से अच्छी सीटें हम जीत करके और आए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और विपक्ष दिखाई भी नहीं देता। कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है और आप पार्टी का भी जनाजा चुका है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर उन्होंने सर्वनाश किया है, तो पंजाब के अंदर भी और चंडीगढ़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इस तरीके का वो रहेगा। तो निश्चित रूप से हम अब आपको एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश के लिए, वहाँ भी चुनाव जो है वो होने वाले हैं और बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ की स्थिति का क्या आकलन करते हैं आप? उत्तर प्रदेश का मूल रहने के कारण उत्तर प्रदेश की निचली इकाई तक की समस्याओं को मैं समझता हूँ जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को कि मुझे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का, जिसमें 80 लोकसभा हैं और 425 सीटें हैं विधानसभा, उसका प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और मैं वहाँ प्रांत विचारक भी रहा हूँ, वहाँ की सब चीज़ों को मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी है। तो उस दृष्टि से मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में कंपैरिजन यदि करेंगे तो भाजपा सरकार 5 साल से पहले अखिलेश यादव की वो थी, अखिलेश यादव के समय में अपहरण एक उद्योग था, अखिलेश यादव के समय में लूटपाट, बदमाशी, मर्डर ये एक परंपरा थी, अखिलेश यादव के समय में दंगे कराना ये उनकी परंपरा का अंग था, लेकिन विकास के नाम पर जीरो था। और उस दृष्टि से थाने और कचहरी उनके उद्योग के धंधे बने हुए थे, उनके दलाल लगे रहते थे और निश्चित तौर पर वो लूटपाट उत्तर प्रदेश में करते थे, और देखा जाए तो कोई विकास के नाम पर जीरो था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है तो उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हुआ है, कोई भी 5 साल में दंगा नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई अपहरण नहीं हुआ, जो मर्डर करने वाले बदमाश गुंडे और ऐसे होते थे जो दुखी करते थे, लूटपाट करते थे, बदमाशी करते थे, उनको अपनी जान बचाने के लिए बाहर नहीं जेल में रहना पड़ता है, और जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल था उसको आज उत्तर प्रदेश ने ख़त्म किया है। और विकास के मामले में यदि उत्तर प्रदेश के अंदर जाएं तो आज चमन दिखाई देता है, रोडों की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, बिजली की देखिए, रोजगार की देखिए, उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से नक्शा बदला है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जो पिछली सीटें थी उसे भी अधिक जीत करके और सरकार बनाएगी और हम विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।